नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे UDI RC टॉय ड्रोन। ये है इसका मॉडल नंबर और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। और इसमें आपको मिलता है HD कैमरा रिकॉर्डिंग और ये सारे कुछ इसके फीचर्स हैं। तो इसमें आप HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 720p वीडियो रिकॉर्डिंग होगी इसमें। और इसमें लो वोल्टेज इंडिकेटर है, दो बैटरीज मिलेंगी, USB चार्जिंग है, 4GB मेमोरी कार्ड है, रिटर्न होम एंड हेडलेस मोड है इसमें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका बॉक्स में प्राइस दिया हुआ है, और प्राइस दिया हुआ देखिए 12,000 रुपीज़, कुछ ज़्यादा ही इसमें प्राइस दे दिया है। बट ये मुझे फ्लिपकार्ट से स्पेशल ऑफ़र में मिला है, ये देखिए 2700 रुपये में ये मुझे स्पेशल ऑफ़र में फ्लिपकार्ट से मिला है। तो ऐसा कुछ इसका बॉक्स का डिज़ाइन है। और ये यहाँ पे सील्ड पैक बॉक्स है, देखिए सील्ड है ये। और यहाँ पे देखें तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं, देखिए मोबाइल के चार्जर से, USB स्लॉट में, या फिर पावर बैंक से, कंप्यूटर में लगा के, या लैपटॉप से, या कार चार्जर से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोलर है, ऐसा इसका डिज़ाइन है। और 360 फ्लिप्स मार सकते हैं आप इसमें। चार एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलेंगे आपको इसमें, दो बैटरीज और 4GB मेमोरी कार्ड और एक कार्ड रीडर। और ये सब फीचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं और चेक करते हैं इस ड्रोन को, और बॉक्स में क्या कंटेंट्स मिलेंगे वो सब भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। तो फर्स्ट ये है हमारा टॉय ड्रोन UDI RC, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये है इसकी यूज़र मैनुअल, ये देखिए। तो ये है दोस्तों पूरी इंग्लिश में। तो इसमें क्या फीचर्स है, क्या फंक्शन है, वो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा डिटेल में पता चल जाएगा। तो चलिए अभी ड्रोन को देख लेते हैं। तो ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको मिलेगी, और इसमें देखें तो ये सब चीज़ें हैं। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और पहले ड्रोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से पैक है, वायर से काफ़ी टाइट कर रखा है। तो मैंने दोस्तों अभी वायर सारी निकाल दी हैं, और ये वाली अभी भी लगता है अभी लगी हुई है, इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ड्रोन हमारा बाहर आ गया। और ये है इसका कंट्रोलर, ट्रांसमीटर जो होता है। तो चलिए दोस्तों सारी चीज़ें देख लेते हैं अभी। तो ये है इसका कंट्रोलर, और यहाँ पे देखिए तो दो जॉयस्टिक्स दे रखे हैं। यहाँ पे एक बटन है, एक बटन यहाँ पे है। ये इसका लेफ्ट एनालॉग स्टिक है, और ये है राइट एनालॉग स्टिक। ये है इसका ऑन ऑफ बटन, यहाँ बटन दे रखे हैं, यहाँ पे बटन है, इधर है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फंक्शन, बीच में LCD डिस्प्ले है, यहाँ पे भी बटन है। और यहाँ पे है बैटरी कंपार्टमेंट, चार बैटरीज लगती हैं इसमें। और ये है हमारा टॉय ड्रोन। तो ये काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा है। और ये देखिए जो इसका साइड में जो प्लास्टिक मटेरियल है, ये पूरी तरह से लाइट वेट है, सॉलिड प्लास्टिक नहीं है, ये अंदर से खाली है। और ये देखिए ये इसके चार प्रोपेलर्स हैं, दो वाइट हैं, दो ब्लैक हैं, बीच में UDI लिखा हुआ है। ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी बड़ा है, मतलब स्ट्रक्चर बड़ा है, छोटा नहीं है, बट काफ़ी लाइट वेट है ये। और बैक साइड से देखें तो यहाँ पर एक बैटरी है, ये बैटरी अगर हम देखें तो 500 mAh की है, 3.7 वोल्ट, 500 mAh है। और ऐसी आपको दो बैटरीज मिलती हैं, एक तो ड्रोन में लगी हुई है और एक एक्स्ट्रा भी मिलेगी। तो थोड़ा क्लोज़अप देखें अगर हम यहाँ पे, तो LEDs दे रखे हैं वाइट कलर के, यहाँ पे ये देखिए। और ये है इसका कनेक्टर जहाँ पे बैटरी आपने लगानी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे इसमें कैमरा दे रखा है, ये देखिए क्लोज़अप देखें तो ये है इसमें कैमरा। तो इसमें कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, जब आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए तो ये इसकी मोटर दे रखी है, और यहाँ पे नीचे LED दे रखा है लाइट के लिए, ये देखिए। यहाँ पे भी देखिए दो रेड LEDs हैं एंड दो ब्लू LEDs हैं। और मोटर को अगर आप ध्यान से देखें, फोकस करें, तो देखिए मोटर नीचे की तरफ लगी हुई है, इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है। ड्रोन्स में मोस्टली मोटर जो होती है उसका मुँह ऊपर होता है, बट इसमें ड्रोन की मोटर का मुंह नीचे की तरफ है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ये दोनों LED सेम है। तो चलिए बॉक्स कंटेंट्स वगैरह चेक करते हैं।
इसमें जो ये पैकेट मिला है इसमें क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। ये मिलेगा आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर और ये चार एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, दो वाइट हैं एंड दो ब्लैक हैं। और ये एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी, एक दो बैटरीज होगी है। एंड मिलेगा आपको एक कार्ड रीडर, ये देखिए। और इसमें मिलेगा आपको एक 4 GB का माइक्रो SD कार्ड, ये देखिए। और ये मिलेंगे आपको चार एक्स्ट्रा गियर्स प्लास्टिक के जो कि मोटर के ऊपर लगते हैं। और ये है इसका बैटरी चार्जर, इसमें आप दो बैटरीज ये देखिए ऐसे कुछ लगा के आप चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल का चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। तो चलिए पहले बैटरीज इसकी चार्ज कर लेते हैं हम। दोस्तों अभी मैंने मोबाइल का चार्जर लगा दिया है और इसे अभी ऑन कर देते हैं। तो देखिए दोनों रेड LEDs चल रहे हैं, जब ये ग्रीन हो जाएंगे तो दोनों बैटरीज जो हैं वो फुल चार्ज हो जाती हैं। तो इसे छोड़ देते हैं और अपने ड्रोन की तरफ वापस चलते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी मेमोरी कार्ड डाल देते हैं। तो मेमोरी कार्ड डलेगा कुछ इस तरीके से। ये जो कैमरा दे रखा है इसके आपने मेमोरी कार्ड स्लॉट में ये देखिए ऐसे डालना है मेमोरी कार्ड, और इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाता है। तो हमने कैमरे में मेमोरी कार्ड अभी इंस्टॉल कर दिया है और बैटरीज अभी चार्ज हो रही है। तो ये है मेरा पहले वाला ड्रोन, ये है सेमा X22SW और ये भी काफ़ी अच्छा ड्रोन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, बट आप साइज़ का डिफरेंस देखिए, बहुत डिफरेंस है। ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी छोटा लग रहा है इसके सामने, बट बिल्ड क्वालिटी में ये ज़्यादा अच्छा है सेमा। इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी जो कि UDI है, बट जो सेमा है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो ये वैसे साइज़ वाइज काफ़ी बड़ा है तो, बट देखा जाए तो प्राइस वाइज दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। जो इनका प्राइस है वो काफ़ी बड़ा है UDI वाला, बट सेमा का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो चलिए अभी इस ट्रांसमीटर में हम बैटरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। चार सेल डालने हैं आपने, तो देखिए सेल डाल दिए हमने और हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया है। और आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हैं, इसकी डिस्प्ले में ब्राइटनेस मतलब LED है, LED बैकलाइट इसकी डिस्प्ले दे रखी है। तो जब तक ये मतलब कर रहा है ब्लिंक, यानी कि अभी ये ड्रोन से कनेक्ट नहीं है। तो चलिए अभी बैटरी चार्ज हो गई है और बैटरी को हम ड्रोन में लगा देते हैं। तो आपने जस्ट इसको ऐसे कनेक्टर में इंसर्ट करना है। तो देखिए अभी ड्रोन हमारा ऑन हो गया है, ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा बिकॉज इसमें कोई ऑन ऑफ बटन नहीं दिया हुआ है। तो आपने बैटरी को ऐसे ध्यान से नीचे की तरफ स्लाइड करके फिक्स कर देना है। देखिए अभी हमने बैटरी को लगा दिया है और सारी लाइट्स ऑन हो गई है। और अब हमने इस ड्रोन को पेयर करना है इस रिमोट से। तो उसके लिए आपको पहले तो इस रिमोट को ऑन करना है ऐसे, और लाइट ब्लिंक करेगी। तो आपने इस लेफ्ट एनालॉग स्टिक को एक बारी ऊपर करना है एंड एक बारी नीचे करना है। तो देखिए लाइट स्टेबल हो गई है, अब ये ब्लिंक नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि ये अभी ड्रोन के साथ कनेक्ट हो गई है। तो अब हमारा ड्रोन जो है वो चलाने के लिए रेडी है। ये देखिए अभी इसके जो फैंस हैं वो ये देखिए चल रहे हैं। ये देखिए हमारा ड्रोन अभी उड़ने के लिए तैयार है। तो चलिए अब ज़रा इसे हम उड़ाएंगे और फ्लाई करेंगे और चेक करेंगे इस ड्रोन को। तो चलिए चेक करते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ड्रोन हमारा अच्छा खासा काफ़ी उड़ रहा है। और आपको बता दूं इसको आप ओपन एरिया में चलाएं, अगर खुला एरिया होगा तो आप काफ़ी अच्छे से इसको उड़ा पाएंगे। ग्राउंड वगैरह में चलाइए अच्छे खुले एरिया में, अगर आप खुले एरिया में नहीं चलाएंगे तो हो सकता है ये इधर उधर चला जाए और पेड़ वगैरह में फंस जाए या किसी के घर वगैरह में चला जाए। तो इसे हमेशा ओपन एरिया में ही चलाएं। और इसमें आपको बता दूं एल्टीट्यूड होल्ड नहीं है, जो इसका लेफ्ट एनालॉग स्टिक है आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा इसकी हाइट को स्टेबल करने के लिए। और इसमें आप 360 फ्लिप्स वगैरह भी मार सकते हैं, देखिए जैसे भी हुआ है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस ड्रोन के कैमरे से जो रिकॉर्डिंग करी है वो सैंपल भी दिया हुआ है, आप वो भी ज़रूर देखिए। कैमरे की रिकॉर्डिंग इसकी काफ़ी ठीक ठाक है, 720p में रिकॉर्डिंग होती है।
और क्लैरिटी भी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। नीचे आए तो तो मैं दोस्तों इस वीडियो में बोलूंगा बस ही। इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू सून।